जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, ये ज्योग्राफी के इसमें क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको मैं पॉलिटी करा चुका हूं, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए जा करके, सारे वीडियोस पढ़े। ज्योग्राफी का यह तीसरा वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ये किस वर्ष का है मैं आपको एक बार बता दूँ कि यह जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे 27/2/2022, जी हाँ 27/2/2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वे सारे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भैया, आम्र वर्षा, चाय वर्षा, मावट और काल वैसाखी। आपके सामने ऑप्शन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा जब तक मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। तो देखिए, कर्नाटक और केरल, जी हाँ कर्नाटक और केरल, केरल कर्नाटक और केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। क्या, कौन सा कहते हैं? आम्र वर्षा, ठीक ना, आम्र वर्षा। यह आम की फसल के लिए लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है, इसलिए यहाँ आम्र वर्षा कहते हैं। राजस्थान में, राजस्थान में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है, राजस्थान में मावट। तो अगर पूछ दे कभी तो भैया मावट कहाँ में कहा जाता है, तो याद रखिएगा मावट राजस्थान में। केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा, पश्चिम बंगाल, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में इसे, पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है पता है? पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी, जी हाँ काल बैसाखी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और चाय वर्षा, चाय वर्षा नहीं है, काल बैसाखी में जो वर्षा होती है यह चाय के फसल के लिए लाभकारी होती है, चाय और चावल के फसल के लिए लाभकारी होती है। तो इसे ही आप कह लीजिए, चाय वर्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए लाभकारी हो रही है, आम्र वर्षा है। तो ये काल बैसाखी जो बारिश होती है चाय और क्या कहते हैं चावल, हाँ इनके फसल के लिए लाभकारी होती है। तो काल वैसाखी की बात करें तो हमने काल वैसाखी जाना कि यह पश्चिम बंगाल के लिए लाभकारी है। वही मावट की बात करें तो मावट हमने जाना कि राजस्थान, और आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझते चल रहे होंगे। क्वेश्चन अगला ले लेते हैं, भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या है? देखिए, भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। भारत में लौटते मानसून की अवधि, ऑप्शन है आपके सामने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर। तो जो देखिए, लौटते जो मानसून है, तो जो मानसून लौटती है वह अक्टूबर नवंबर में बहुत जोरदार बारिश कराती है भारत में। यहां से क्वेश्चन इसका तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी। बस यही नहीं, इससे क्वेश्चन और भी बनते हैं। लौटते मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता है कि जब देखिए, आप, मैं एक चीज आपको बता दूं, मान के चलिए ये भारत का दक्षिणी पॉइंट है कि नहीं, कन्याकुमारी वाला। तो जब मानसून लौटती है तो यह बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है। समझिएगा बच्चों, बढ़िया से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी से नमी जो है वह प्राप्त करती है, और इसी के क्रम में तमिलनाडु यानी पूर्वी तट से टकराती है। पूर्वी तट में यहाँ तमिलनाडु और चेन्नई में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि लौटती मानसून से सर्वाधिक वर्षा तो बताएंगे तमिलनाडु चेन्नई में, है कि नहीं। और ये भी पूछे कि लौटती मानसून जो अपना जल ग्रहण करती है वो किससे करती है? ऑप्शन में दे देगा अरब सागर, ऑप्शन में दे देगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन में दे देगा हिंद महासागर। तो अब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कन्फ्यूज होकर क्या मार देंगे, कभी कोई अरब सागर, कभी कोई हिंद महासागर, यही मारेंगे ना। जबकि आप यहां देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से वाष्प ग्रहण करके और टकरा रही है कहां, तमिलनाडु के तटों पर। तो यहां से ये भी क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन के अलावा जो पॉइंट्स बताते हैं उस पर जरूर फोकस करिए आप लोग, उस पर आप लोग जरूर फोकस करिए। हम आपको रटाने नहीं आए हैं, रटने अगर आप आए हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, वहां जाकर के आप रट लीजिए। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बार बार सारे क्वेश्चन को रटाऊं, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए यहां तो हम रटा दे आपको, एग्जाम में अब क्वेश्चन को घुमाएगा तब छटपटाने लगेंगे, हाथ पैर मारने लगेंगे ऐसे ही से, वहां कौन रटाने आएगा, वहां कोई रटाने नहीं आएगा। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो क्लियर करिए। जो यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं। अब आपसे कभी कोई पूछेगा कि लौटती मानसून जल ग्रहण कहाँ से करती है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे ना, आप बोलेंगे सर बंगाल की खाड़ी, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, अब इसको रटते रहो लौटती मानसून बंगाल की खाड़ी से, लौटती मानसून बंगाल की खाड़ी से, ये मज़ा नहीं आएगा। तो रटाने नहीं आए हैं हम, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि रटा रहे हैं, बोलो फला बोलो बोलो बोलो, अरे चिल्लाने थोड़ी हैं, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं भाई, है ये तो सब्जी बेचने वाले करते हैं मंडी में, 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो, ये नहीं करना है। आए हैं हमारे पास तो कुछ सीख के जाएंगे और आजीवन उसे अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखिए वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल, जी हाँ वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कब खोली गई, यहाँ इसमें भी आपको दे रहा है, तो इसमें दे रहा है तो यहाँ कलकत्ता, देखिए हालांकि 1855 में पहली जूट की मिल कलकत्ता के रिसरा, जी हाँ रिसरा नामक जगह पर खोला गया था, ठीक ना, रिसरा याद रखिएगा, लेकिन 1917 में भी कलकत्ता में ही खोला गया है, कहाँ में खोला गया है, कलकत्ता में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, जूट आया है तो जूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जूट से संबंधित, जूट को देखिए कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर आपका जूट, और जूट ना दे ऑप्शन में तो पटसन ये भी मत भूलना भाई, नहीं कहना कि सर जूट बताए थे पटसन दे दिया, नहीं, तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा भी अगर कहे, सुनहरा रेशा भी कहे तब भी यही होगा। जूट निगम की पूछता है कि जूट निगम की, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 1971 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और गोल्डन फाइबर इसे ही कहते हैं, जूट को कहते हैं, ठीक ना, तो ये चीज़ें जो है दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। जूट पॉलिसी अगर पूछे, जूट पॉलिसी तो 2005 बताइएगा, जूट पॉलिसी की अगर बात करें, जूट पॉलिसी तो 2005 बताइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चले आगे, चलिए सर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, देखिए बहुत बढ़िया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, जो रटते हैं उनको देखिए कैसे इसमें फंसाया जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ऑप्शन है भाई नई दिल्ली मुंबई सिलचर पोरबंदर श्रीनगर कन्याकुमारी आगरा और चेन्नई, तो देखिए समझिएगा, यह भारत का दक्षिणी बिंदु है कि नहीं, और यहां आपका आएगा उत्तरी बिंदु, आपको पता है ना, देखिए मैं वैसे काम चलाऊ नक्शा बना रहा हूं, ठीक ना, यहां अगर मान के चलते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पॉइंट है, और यहां अगर मानते हैं तो दक्षिण यह कन्याकुमारी, तो उत्तर दक्षिण कौन सा जोड़ेगा, उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर में देखिए कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार आप पकड़ पा रहे हैं क्या, तो हाँ पकड़ लेंगे, श्रीनगर श्रीनगर और कन्याकुमारी, तो उत्तर दक्षिण कन्याकुमारी, ठीक ना। और अगर पूरा पश्चिम पूछे, पूरा पश्चिम क्योंकि ये पूरब है और इधर पश्चिम है, तो पूरा पश्चिम पूछे तो बताएंगे सिलचर और पोरबंदर, क्लियर है, उत्तर दक्षिण कन्याकुमारी श्रीनगर, पूरा पश्चिम सिलचर और पोरबंदर। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है यहां से कि भैया ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां में काटती है, किस स्थान पर एक दूसरे को काटती है ये जो गलियारा है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है, कहां में, झांसी में। बहुत सारे लोग आप कहेंगे सर झांसी यूपी में है कि एमपी में, तो झांसी यूपी में ही है, ध्यान दीजिएगा झांसी जो है वह उत्तर प्रदेश में ही है। तो अगर काटने की बात करें तो झांसी बताएंगे, उत्तर दक्षिण अगर पूछे तो कन्याकुमारी से बताएंगे श्रीनगर, और पूरा पश्चिम अगर पूछे तो सिलचर से पोरबंदर, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलिए सर, चार क्वेश्चन हो गए, आपने कुछ सीखा कि नहीं, सीखा। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं, अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो भी बताऊं उसको नोट करिए, पॉइंट लिखिए जो पॉइंट बताते हैं,
तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ में, तो मैं आपको बताया था कि मैंग्रोव वन, जी हाँ, जो डेल्टा बन रही थी वहाँ मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पा रहा था। एक तो आप यहाँ देखे हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन रहा है, सुंदरबन डेल्टा है ना, इसी के नाम पर तो सुंदरी वृक्ष पड़ा, सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो वह हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं बी, बी है ऑप्शन नंबर, है ना। हाँ चलते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी है मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा वन पर एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सा वन जो है वह कितना परसेंट है और किस स्थल पर ये वने होती हैं, ज़्यादा वर्षा या कम वर्षा है ना, कितना वर्षा खोजता है। मतलब हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो वहाँ कौन सा वन होगा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो तो वहाँ कौन सा वन होगा। तो वनों के ऊपर एक वीडियो में डिटेल में ले आऊंगा, ठीक ना, परेशान मत होइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह लगभग 60% भागों में है फैला हुआ, तो 60% है तो यही पूछ रहा है सर्वाधिक, तो ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है ठीक ना। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो आप पता है आपको कि एस्चुरी कौन सी बनाती है जो डेल्टा नहीं बना रही है, सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है यानी एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा ना बनाने वाली आपको पता है नर्मदा और ताप्ती, बड़ी नदियां हैं भारत की, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, क्या हो जाएगा, नर्मदा, ठीक ना, सही आंसर नर्मदा। अगर ताप्ती या तापी रहे तो तापी और नर्मदा दोनों हो जाएगा। तो ये डेल्टा ना बनाती हैं यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। देखिए जरा इसको समझिएगा, डेल्टा एस्चुरी हम मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, कोई नदी अगर ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ अपना जो गाद ला रही है वो बिखरा दे रही है, गाद बिखरा दे रही है, ठीक ना, ये गाद बिखरा दे रही है ऐसे करके, तो ये त्रिभुजाकार का बन जाता है। ये कैसा बन जाता है, त्रिभुजाकार का, इसी को डेल्टा कहते हैं, जी हाँ इसी को डेल्टा कहते हैं। और होता क्या है, चूंकि पश्चिमी घाट में ये तीखी तीखा ढाल है, ठीक ना, और ये जो नदियाँ आती हैं ये पर्वतों के बीच से होकर के आ रही हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, तो ये ज़्यादा निक्षेप नहीं ला पाती हैं और इनकी ढाल जो है वह तीखी होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं कि यह अपना जो गाद है यह फैला नहीं पाती हैं, फैला नहीं पाती हैं। और इधर से जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र भी आप देखते हैं कि समुद्र का पानी कभी इधर जाता है कि नहीं, तो ये मिलकर के, ये जो दोनों मिलकर के यहीं पर ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अपना गाद को नहीं फैला पाती है, गाद इनके पास होता ही नहीं है उतना मात्रा में जो गाद को ये फैलाए, है ना। यहाँ आपको मैदानी भाग से आ रही है तो ये गाद ला रही है, मिट्टी वगैरह जो भी है ला रही है, और ये पर्वतीय भागों से आ रही है कि नहीं, पठार भागों से आ रही है, तो ये ज़्यादा गाद ना ला पाने की वजह से क्या करती हैं कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक ना। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, डेल्टा और ज्वार नदमुख दोनों आप समझ गए। चले आगे, चलिए सर चलिए आगे। क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो आपको पता है कि पृथ्वी का 71% भाग जो है वह जल है, जल, ठीक ना, और 29% जो है वह स्थल है, ध्यान दीजिएगा स्थल है, ठीक ना। तो ऑप्शन देखिए है क्या, कोई ऑप्शन 75, 60, 85, 50, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 71% है। अब आयोग के अनुसार आप 75 मार सकते हैं, लगभग लगभग है ना, क्योंकि 71 होता है तो आप लगभग 75 मार सकते हैं, इसमें चलेगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और कहता है, ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, ठीक ना, ये पृथ्वी है, ये है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध।
अब पूछता है कि भैया किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, तो आप बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल का परसेंटेज ज्यादा है, स्थल कम है, स्थल यहाँ कम है, जल ज्यादा है, और यहाँ जल कम है, स्थल ज्यादा है, तो जल गोलार्ध पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध को बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं अक्सर, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, ऑप्शन है कोल, मुंडा, मीणा, उराव, तो आपको पता है कि सरहुल पर्व जो है वह मुंडा जनजाति मनाती है। अब याद कैसे रहता है, याद नहीं रहता है, बच्चे परेशान होते हैं मुंडा की उराव की गोंड फला बहुत सारे हैं ना, तो परेशान रहते हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा, अगर आपसे पूछे सरहुल पर्व तो कौन मनाता है, तो आप बताएंगे मुंडा, कैसे, क्योंकि सर को मुंडाया जाता है ना, आप बताएंगे कि सर मुंडा लिया, ठीक ना, सर मुंडाना कहते हैं ना, ओले पड़ते ही सर मुंडाना, तो सरहुल मुंडा याद कर लीजिएगा, तो सर मुंडाना आपको याद हो जाएगा, सरहुल पर्व जो है यह मुंडा जनजाति मनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बैलाडीला किस जिले में स्थित है, बैलाडीला किस जिले में स्थित है, तो आपको पता है बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कहाँ में, दांतेवाड़ा, ऑप्शन देखिए बस्तर, बैतूल, खरगोन, सिंहभूम, अच्छा इसमें दांतेवाड़ा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बस्तर, जी हाँ आंसर हो जाएगा बस्तर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बस्तर अगर नहीं ऑप्शन में है तो दांतेवाड़ा ही लगाइएगा, राइट आंसर जो है वो दांतेवाड़ा ही है, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार आंसर, ठीक ना। बैलाडीला, देखिए बैलाडीला से संबंधित एक चीज मैं और बता दूं, बैलाडीला प्रसिद्ध किस लिए है भाई, तो बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है, लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर आपसे कभी अच्छे जब एग्जाम देंगे, बढ़िया एग्जाम देंगे, तो आपसे पूछेगा कि बैलाडीला नाम क्यों पड़ा, तो बैलाडीला, बैल जानते हैं ना, बैल तो सभी लोग जानते होंगे, बैल का डील जो कुबड़ होता है, जो कुबड़ होता है बैल के, यहां पर देखे होंगे आप कुबड़ होता है, उसी को डील कहते हैं, उसी को डील कहते हैं, तो ये बैलाडीला जो स्थल है, बैलाडीला जो पहाड़ है ना, वह बैल के डील की तरह, कुबड़ की तरह ऐसे है, इसी वजह से इसे बैलाडीला कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैलाडीला इसी वजह से कहा जाता है। अब आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई बैलाडीला क्यों कहते हैं, तो बताइएगा कि बैलाडीला बैल के डील यानी बैल के कुबड़ की तरह यह पहाड़ दिखाई देता है, इस वजह से इसे बैलाडीला कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था ये, मैं आपको दे दिया हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा बैलाडीला। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया, परमाणु संयंत्र की बात की जा रही है, ऑप्शन है आपके सामने सूरत गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, ट्रांबे महाराष्ट्र में, या सोलापुर महाराष्ट्र में, तो प्रथम जो परमाणु संयंत्र है, अगर संयंत्र की बात की जाए, देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है, संयंत्र की बात की जाए तो बताएंगे तारापुर कहां में है भैया, महाराष्ट्र में, और प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात की जाए, यह 1969 में हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, यह 1969 में स्थापित हुआ है, और परमाणु रिएक्टर की बात की जाए, देखिए परमाणु संयंत्र और परमाणु रिएक्टर दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा, तो रिएक्टर की बात की जाए, अगर रिएक्टर की बात की जाए कि प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो वह है ट्रांबे, जी हाँ ट्रांबे, बॉम्बे में ही है ट्रांबे, ठीक ना, ट्रांबे में, यह है, इसका इस भी मैं आपको बता दूं तो 1956, जी हाँ 1956 में प्रथम परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम था अप्सरा, क्या नाम था भैया, अप्सरा, ठीक ना, अप्सरा, ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था क्या, अप्सरा, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा और प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, दोनों ध्यान दीजिएगा, अप्सरा 1956 में और तारापुर 1969 में, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। चलिए सर आगे चलिए, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, देखिए अभी आ गया, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो मैं बताऊं उस पर ध्यान दीजिए, तारापुर केंद्र है, तो तारापुर जो है वह आणविक शक्ति केंद्र है, आपको अभी बताया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर ऑप्शन है 65, 85, 78 और 73। तो आपको पता है, आपको पता है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो जन दर है वह कितना है, 73%, 73%। ऑप्शन नंबर डी में है साक्षरता दर, यानी कि 73%। अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो 80.9 और महिला साक्षरता पूछे 64.6। 11 की जनगणना के अनुसार है ये, है ना। अब डाटा आपको चेंज मिलेगा, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, 64.6, 80.9। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अमेरिका की खोज किसने की है? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक और मार्को पोलो। तो आपको पता है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है, किसने की है, कोलंबस ने, ठीक ना, कोलंबस ने। और भारत की खोज वास्को डी गामा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत ईजी था, चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर लेते हैं ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम लोग कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? देखिए ये आप अपना विवेक से भी इसको सही कर लेंगे। क्या है भैया, वन, नदी, रेगिस्तान, बगीचा। अच्छा बताइए, ये प्राकृतिक कह रहा है, प्राकृतिक नहीं है यानी कि मानव निर्मित है ना। तो नदी क्या मानव बना सकता है? नहीं ना, तो नदी होगा नहीं। वन मानव के बस की बात है कि वन बना दे? वन मतलब छोटा सा बगीचा नहीं कह रहा है, वन बहुत घना। वन पहले से निर्मित होता है, उसको आप योगदान दे सकते हैं बढ़ाने में, ठीक ना। तो ये चीज होगा, वन भी नहीं होगा। सी में रेगिस्तान, इंसान रेगिस्तान भी नहीं बना सकता है, मानव है कि नहीं, बगीचा आप बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। वन प्राकृतिक है, रेगिस्तान प्राकृतिक है और नदी प्राकृतिक है, बगीचा आप बना सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है आप में, ठीक। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल किससे संबंधित है भैया? तो अमन फसल, देखिए अमन धान से संबंधित है, धान से। अब इसको कैसे याद रखना है, अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर भी, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पूसा, पूसा किस फसल की वो है, या फिर पूछता है जया, जया किसकी फसल है ना। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ बना दीजिए, तो बना दूंगा। तो अमन जो है वह धान की फसल है। कैसे याद रखेंगे भाई, जिसके पास धन रहता है, जिसके पास धन रहता है वही तो अमन चैन से रहता है। तो इसको आप रिलेट कर लीजिएगा कि अमन जो है वह धान की फसल है। तो ये लगभग लगभग अब क्वेश्चन जो है वह समाप्त ही हो गए हैं। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन अगर और बचा हो तो मैं उसको करा दे रहा हूँ। तो हाँ देखिए एक क्वेश्चन और है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं भाई? ऑप्शन है वन रोपण करके, वनोन्मूलन करके, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से और अतिचारण से। मृदा अपरदन को रोक, अच्छा मृदा अपरदन जैसे मिट्टी है, यह मिट्टी कट रहा है, मिट्टी कट रहा है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए अगर वन लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ की जो जड़ें हैं वह मिट्टी को जकड़ेंगी, जकड़ेंगी कि नहीं पेड़ की जड़ें, तो इससे रोका जा सकता है, इतना तो आप समझ रहे हैं। अच्छा अब ये बताइए, ऑप्शन है वनोन्मूलन, यानी क्या वन को काट देंगे तो रुकेगा? वन को काट देंगे तो रुकेगा? काट देंगे तो भाई ये तो मिट्टी जो है फ्री हो जाएगा, तेज आंधी तेज पानी से ये टूट टूट के बिखरना शुरू, तो पेड़ काट के तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सी है उर्वरक, आपको पता है कि उर्वरक का अधिक प्रयोग करेंगे तो जो इसमें ह्यूमस होता है, जीवाश्म होता है, वह कमजोर होता है, होता है कि नहीं, तो कमजोर होगा तब भी ये टूटेगा, क्षतिग्रस्त होगा, तब भी आप अपरदन को रोक नहीं सकते हैं, है ना। और अतिचारण से, यहां मान के चलिए कि समतल भूमि है, यहां ज्यादा घास है, तो घास जो है वह भी मिट्टी को जकड़े हुए हैं, लेकिन अधिक चराई करेंगे, इसमें चराई करेंगे अधिक, तो ये घासें समाप्त हो जाएंगी और ये जो जड़ें हैं वह मिट्टी को छोड़ना शुरू करेंगी, तो यहां भी मिट्टी का जो है वह ह्रास होगा यानी अपरदन होगा। तो अब आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए वन रोपण सही। अच्छा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे हो जाएंगे परेशान, लेकिन जरा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्या अब कभी परेशान आप होंगे? नहीं ना। तो मैं यही कहता हूं कि देखो बच्चों, मैं रटवाने नहीं आता हूं आप लोगों को, आप लोगों को रटवाने नहीं आता, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि एग्जाम में आपका
कोई भी बाल बांका ना कर पाए। अगर आप मुझसे कुछ सीखने आए हैं तो ये मत देखिए, ये तो होता है आप लोग के लिए, ये क्या है, इससे भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, काला है तो होने दीजिए। बस मेरा मकसद ये है बच्चों कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छी कंटेंट आप लोग को मिले, रटुआ तोता वाला हाल ना हो। कौन देखिए रटिए, मैं ये नहीं कहता, कुछ चीज़ें जो है जो याद करने वाली है, जिसको मतलब रटना आवश्यक है। अब कुछ तिथि हो गया तो उसको कैसे याद करेंगे, है कि नहीं, लेकिन वैसी चीज़ें जो समझ सकते हैं उसको रट के क्यों समय व्यर्थ करना, बर्बाद करना, है कि नहीं। तो मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत आप लोग कमेंट करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड, तो देखिए डिजिटल बोर्ड लेंगे कब, जब आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो है वह बढ़ेगा तभी ले पाएंगे ना, अभी नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो प्यार बरसाइए, ये होते रहेगा, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा तब तक ये होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मेरा मकसद है, देखिए चाहे डिजिटल बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, कंटेंट में समझौता नहीं, गुणवत्ता में समझौता नहीं। यहाँ पर आपको लिखा होगा, कहा गया सर्वोच्च गुणवत्ता का वादा। ये जब चैनल मैं बनाया था उसी समय मैंने ये फैसला किया था कि देखो भाई, बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा दो, ताकि एक ही चीज़ को वो बार बार नहीं जाए पढ़ने, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जहाँ पढ़े तो उनको सारी जानकारी मिले, है ना। तो मेरा यही मकसद है। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रहें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना काम करिए, देखिए नोट्स बनाइए, जो पॉइंट बताता हूँ उसको लिखिए, बस आप